हेलो नमस्कार। आज हम करने वाले हैं एक गतिविधि और आज की गतिविधि का नाम है आकृति से आकृति मिलाओ, न और माँ से बनने वाले शब्द, जिसमें आकृति से आकृति मिलाओ और आकृति के रूप में इस्तेमाल शब्दों में पहली ध्वनि की पहचान की जाएगी। तो इसी पर हमारा फोकस होगा। और इस गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक न और माँ से शुरू होने वाले परिवेशीय शब्दों की एक सूची बना लें और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्कूल और जो उसके बच्चे के आसपास जो वातावरण है उससे संबंधित शब्द इसमें आने चाहिए। अब शिक्षक बच्चों को एक गोले में खड़ा कर सकते हैं और फिर किसी एक अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द बच्चों को आप बोलेंगे। तो हम इसके एक्टिविटी करने चल रहे हैं, गतिविधि की तरफ चल रहे हैं। किस प्रकार से आपको करानी है? हेलो नमस्कार। आज हम करने वाले हैं एक गतिविधि और आज की गतिविधि का नाम है आकृति से आकृति मिलाओ, न और माँ से बनने वाले शब्द, जिसमें आकृति से आकृति मिलाओ और आकृति के रूप में इस्तेमाल शब्दों में पहली ध्वनि की पहचान की जाएगी। तो इसी पर हमारा फोकस होगा। और इस गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक न और माँ से शुरू होने वाले परिवेशीय शब्दों की एक सूची बना लें और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्कूल और जो उसके बच्चे के आसपास जो वातावरण है उससे संबंधित शब्द इसमें आने चाहिए। अब शिक्षक बच्चों को एक गोले में खड़ा कर सकते हैं और फिर किसी एक अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द बच्चों को आप बोलेंगे। तो हम इसके एक्टिविटी करने चल रहे हैं, गतिविधि की तरफ चल रहे हैं। किस प्रकार से आपको करानी है? तो इसमें अध्यापक बच्चों के सामने वर्ण लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, बताइए ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बताइए क्या लिखा मैंने? ने। ना, बिल्कुल सही बताया। अब मैं दूसरा वर्ण लिखता हूँ, उसको बताइए वो क्या है? माँ। वेरी गुड। इसी तरह से अध्यापकों को ये गतिविधि आगे जारी रखनी है। अब शिक्षक बोर्ड पर या ग्रीन पट्टी पर नाम माँ लिखाएंगे और इसके वर्णों की ध्वनि को आपस में सर्वप्रथम मिलवाएंगे। बच्चे मिलाइए बेटा, रोज मिलाइए। हाँ, ये आपने क्या मिलाया? ना से ना। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ तो बेटे, रोज आपको ये मिलान करना है। जो हमारी फर्स्ट ध्वनि होगी, जैसे ना और माँ, तो उनको आपको मिलान करना है। ध्वनि से प्रथम ध्वनि जो शब्द की होगी उससे आपको मिलान करना है। तो मिलान कीजिए, जैसे ना है तो ना से मिलने प्रथम जो ध्वनि होगी शब्द की उससे आपको मिलान करना है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये आपने क्या छोड़ा? ला। ये क्यों छोड़ा? क्योंकि यह ना और मा से भिन्न है। चलिए अगले चरण पर चलते हैं। अच्छा बेटा, मैं कुछ ना और मा से बनने वाले कुछ शब्द बोलूँगा और आपको बताने हैं कि ये ना से है अथवा माँ से।
या आपको नाम उसका प्रथम जो ध्वनि होगी उसको आपको बताना है। तो बताइए ना से कौन कौन से शब्द होते हैं, ना से शब्द बताइए। ना, तो ना से कुछ शब्द बताइए। नगर, नहर, नल। मैं से बताइए। मटर, मगर, मन। वेरी गुड। तो अब हम इसी प्रकार से आपको कुछ शब्द देते हैं और आप जो शब्द हम देंगे आपको प्रथम ध्वनि से ना या मा से आपको मिलान करना है। तो कीजिए, बहुत अच्छी तरह से मिलान किया। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप इसकी अवधारणा को समझ चुके हैं और इस तरह से हम इस गतिविधि को समापन करेंगे। और इस गतिविधि का उद्देश्य वर्ण से परिचय और हाथ के संतुलन से होता है। हमें बच्चे का संतुलन हाथ से कराना होता है क्योंकि बच्चे के कोमल हाथ होते हैं, उनको साधना होता है। और यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके।